एक हाल विक्रेता ₹700 में 10 किलो आम खरीदता है, आम खरीदता मुझे खरीदता है कितना 10 किलो आम, कितना रुपया में 700 रुपया में, और 1,050 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम चुटकियों में कैसे ज्ञात करते हैं कार्य बच्चों, तो देखिए कार्य, यहाँ सबसे पहले आपको निकालना होगा लाभ, है ना। पहले देख लेते हैं, देखो विक्रय मूल्य कितना है, करे विक्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा आपको 1,050 रुपया। ठीक है, 50 रुपये, 1,050 रुपया है ना। और किराया मूल्य कितना था, किराया मूल्य कितना था तो 700 रुपया। ठीक है, लाभ कितना हो गया, लाभ देखिए सुनो, पाँच की पाँचों और 10 में से 7 लिया, 3 बच गया है ना। तो अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है, देखो कथी तो लाभ है ना गुणे 100 बटा कराई मूल। ठीक है, तो देखिए लाभ कितना है, 350 गुणे 100 बटा के सोची किराया मूल्य, तो किराया मूल्य कितना है 700। ठीक है, तो दूसरा से दूसरा काट दीजिए तो बचे कितना, 7 × 7 = 35 है ना, तो यहाँ हो गया 50%। तो हम समझते हैं प्यारे, ये सवाल को भी आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और किसी को भी पूछने पर आप बढ़िया से बता दीजिएगा। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं रेस्ट में 35 अंक से, है ना। तो परीक्षा में कुल अंक याद करें। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो हम समझाते हैं। देखिए यहाँ 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है, वो विद्यार्थी को कितना अंक प्रतिशत लाना है परीक्षा में, तो 36%। तो सबसे पहले हम उन अंक को जोड़ लेते हैं, ठीक है, अब कितना 35 और कुल अंक है ना, कुल अंक कितना हो गया तो 90 और प्लस के 35, ठीक है, तो हो गया 5 और 9 = 12 और 1 = 2 इतना, ठीक है। अब प्यारे ए देख लो कि कितना होता है कि 36% है ना, 36% है ना, तो 36% का मतलब होता है कि कुल अंक अब ज्ञात करना है ना। परीक्षा का कुल अंक तो परीक्षा में कितना काम कर सकता है, अपना अंक है ना, परीक्षा का कुल अंक तो जितना है उतना हम देखे तो 225 है ना, नीचे लगता है 36 है ना प्रतिशत है,
तो प्रतिशत जिसको बट्टा में लिखा जाता है सौ है ना, वो प्रतिशत कहा जाता है। यहाँ सौ दुगुना हो जाएगा तो पच्चीस चौ सौ नौ चौ छत्तीस पचीनामा दो पच्चीस है ना, और पच्चीस है गुना पच्चीस तो छः सौ पच्चीस है ना। पहले तो हम इतना जल्दी आपको समझाने में लगाएं है ना, आपको चार मिनटों में ये सवाल बन जाएगा। हम समझते हैं पहले कि आप बढ़िया समझ गए होंगे, और कहीं पर भी परीक्षा में पूछने पर आप इसका जवाब सरलता से और जल्द दे दीजिएगा।